कांग्रेस से निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया, ये न तो उनके लिए नया है और न ही कांग्रेस पार्टी के लिए। मणिशंकर अय्यर से लेकर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक ऐसे विवादित बयानों का इस्तेमाल मोदी के लिए कर चुके हैं, जिसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसका एक और मायना निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल ना तो मणिशंकर अय्यर ने पहली बार किया है और ना ही कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने। मणिशंकर अय्यर ने कौन नई बात कही? उन्होंने वही कहा जो प्रियंका गांधी ने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री को नीच कहा, आज मणिशंकर अय्यर उसको रिपीट कर रहे हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर ने पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसकी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा हो। 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त भी इनके एक बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वो बयान था पीएम मोदी को चाय वाला बताना। उसमें जो मेरा बयान था जनवरी सन 2014 को, उसको वो देखें और मुझे बताएं कि चाय वाला का शब्द मेरे बयान में है या नहीं। कहीं नहीं है, मैंने उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्या वाकई ऐसा ही था? क्या सच में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला नहीं बोला था? इसके जवाब के लिए 2014 का मणिशंकर अय्यर का वो बयान देखते हैं। वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान दिए गए इस बयान में मणिशंकर अय्यर सही है, उन्होंने चाय वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आखिर में जो दो लाइनें उन्होंने बोली थी उसका मतलब यही निकाला गया। और फिर 2014 के आम चुनाव में क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। कुछ ऐसा ही 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। चुनावी जानकारों का मानना है कि सोनिया गांधी के इस बयान ने कांग्रेस को गुजरात चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2007 में बीजेपी को 182 में से 117 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो क्या अब नीच वाला बयान भी कांग्रेस के लिए वही काम करने वाला है जो काम सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर के पुराने बयानों ने पहले के चुनावों में किया? उस वक्त भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उन बयानों को बड़ा मुद्दा बनाया था और इस बार भी वही दोहराया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।